पराक्रम दिवस पर मोदी के सामने ममता का पराक्रम। मरफिक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 23 जनवरी को देश भर में स्वतंत्र सेनानी, देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पूरे देश में मनाई गई। इसी अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कोलकाता में पराक्रम दिवस के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी बुलाया गया था। नारे, अलग अलग तरह के नारे लोग लगाते हैं, समर्थक लगाते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता लगाते हैं, राजनीतिक रूप से लगाते हैं, लेकिन नारे लगाने का औचित्य, नारे लगाने की एक जगह या उसका सही वक्त कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, इसका फर्क बता दिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। साथ ही सरकारी कार्यक्रमों की गरिमा क्या होनी चाहिए ये भी उन्होंने बता दिया। दरअसल आपको बता दें कि पराक्रम दिवस ये कार्यक्रम केंद्र सरकार ने जब कोलकाता में रखा तो उसके लिए ना तो राज्य सरकार की मुख्यमंत्री के नाते ममता बनर्जी से कोई चर्चा की गई, ना ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवारजनों से कोई सलाह मशवरा किया गया। इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपनी बात रखने के लिए, अपने दो शब्द कहने के लिए बुलाया गया तो उनके माइक पर पहुंचते ही कुछ लोगों ने उठ करके जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए। जय श्री राम के नारे लगाना गलत नहीं है, मगर ये नारे अगर मंदिर में लगाए जाए, किसी धार्मिक कार्यक्रम में लगाए जाए तो ये स्वागत योग्य है, लेकिन किसी सरकारी कार्यक्रम में और हम स्वतंत्रता सेनानी, देश नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के तौर पर जब पराक्रम दिवस मना रहे हो तो उस वक्त जय श्री राम के नारों का औचित्य क्या है। इसी बात को पकड़कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो टूक बात कही, कहा कि किसी को बुलाकर इस तरह से अपमानित करना ठीक नहीं और सरकारी कार्यक्रमों की गरिमा इतनी नीचे गिराना भी ठीक नहीं। ममता ने कहा कि यदि आप किसी को किसी कार्यक्रम में बुलाते हैं और उसको इस तरह से अपमानित करते तो ये उचित नहीं है, वो भी सरकारी कार्यक्रम में, इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगी, जय बांग्ला जय हिंद, ऐसा कहकर उन्होंने दो टुक में अपनी बात खत्म की। किस तरीके से पराक्रम दिवस पे मोदी के सामने ममता ने ये पराक्रम किया है देखिए। आप लोग जरा सा शांत हो जाएं, आप लोग जरा शांत हो जाएं और इस पावन अवसर पर श्रीमती ममता बनर्जी को मौका दीजिए कुछ शब्द कहने का। नहीं, नहीं, मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गर्म पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, जय हिंद जय बांग्ला।